क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नंबर। जो आपको पहले मालूम है नंबर, नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। लेकिन अपन इसकी भाषा में क्या कहेंगे? वचन। और वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। ये आपको मालूम है पहले से, लेकिन आप देख लो सिंगुलर और प्लुरल होते क्या। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। इसकी परिभाषा देख लो, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। एक संज्ञा जो बताती है एक या एक से अधिक को, जो बताती है किसको? एक या एक से अधिक को, वो क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? नंबर कहलाती है। नंबर मतलब वचन कहलाते हैं। जो संज्ञा एक या एक अधिक, एक या एक से अधिक को बताती है, उसे अपन क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ये आपकी डिफाइन हो चुका है, डेफिनेशन। डेफिनेशन को डिफाइन करती है, जैसे आपको मालूम है बॉय है, वो एक है, एक वचन में है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? बॉयज। बॉयज बनाती है। एक गर्ल, इसका क्या बनेगा? गर्ल्स। इस तरीके से बहुवचन बनाना है। नंबर क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाना आपके कोर्स में आता है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉय, बॉय का क्या बन गया? बॉयज। गर्ल, गर्ल का क्या बन गया? गर्ल्स। ये इस तरीके से नंबर के बारे में बताया गया है। नंबर वो है, कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर के प्रकार, नंबर के प्रकार कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। और दो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन। पहले क्या होता है? सिंगुलर। इसको क्या बोलते हैं? अपन एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। पहले क्या होता है? सिंगुलर। इसको क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल। इसको क्या बोलते हैं? अपन बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवचन। नोट कर लेना, सिंगुलर को एक वचन बोला जाता है, प्लूरल को क्या बोला जाता है? बहुवचन बोला जाता है। ये आप याद रखना, सिंगुलर दिया जाएगा पेपर के अंदर और आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। ये भी याद रखना, सिंगुलर दिया जाएगा मतलब एक वचन दिया जाएगा, क्या बनाना पड़ेगा? बहुवचन बनाना पड़ेगा। ये भी याद रखना, सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं और प्लूरल को बहुवचन बोलते हैं। ये नंबर के प्रकार है। आगे बस देखो इनके बारे में, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर के बारे में बताया गया है, तो देख लो सिंगुलर नंबर के बारे में क्या बताया गया। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, एक संज्ञा तो केवल किसके बारे में बताती हो? एक के बारे में। किसके बारे में बताती हो? एक के बारे में। एक को ही बताती हो, एक के बारे में अवगत कराती हो, वो क्या कहलाती है? सिंगुलर नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सिंगुलर नंबर कहलाता है। दोबारा देखो सिंगुलर नंबर के बारे में, दोबारा देखो, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, एक संज्ञा जो केवल किसके बारे में बताए? एक के बारे में। केवल एक के बारे में आपको बताए, एक के बारे में आपको अवगत कराए, वो संज्ञा क्या कहलाती है? सिंगुलर कहलाती है। वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, मतलब सिंगुलर नंबर, एक वचन संज्ञा कहलाती है। आगे बात समझ में, जैसे ए स्टूडेंट एक वचन में, ए वुमेन एक वचन में, सिंगुलर है क्या? ये सिंगुलर, ये एक वचन कहलाते हैं। प्लूरल की देखो डेफिनेशन क्या, प्लूरल। बहुवचन नंबर, बहुवचन नंबर क्या है इसको देखो आप। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, एक संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बताए, किसके बारे में बताए? अधिक के बारे में। इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? केवल वन, एक के बारे में, एक से अधिक के बारे में बताया, वो क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है, बहुवचन नंबर कहलाता है। आगे बस समझ में, दोनों ही चीज याद रखना, सिंगुलर के लिए एक और प्लूरल के लिए अधिक, एक से अधिक। जैसा अपन स्टूडेंट का बहुवचन बनाना था, यहां पर क्या बना दिया? स्टूडेंट का, अपन स्टूडेंट्स, केवल क्या लगाया इसमें? एस। वुमेन का क्या बनाया अपन? वुमेन, विमेन, क्या बोलते हैं इसको? विमेन बोलते हैं, विमेन। तो इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने? ई जोड़ दिया। यहाँ पर ए जुड़ रहा है तो एक वचन है, यहाँ पर ई लगा दिया तो ये बहुवचन हो गया। इससे होया बहुवचन ई से, किससे होया? ई से। ई जोड़ने से क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। याद रखना, एक वचन में केवल एक संज्ञा दी जाएगी, एक वचन के बारे में बात की जाएगी। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वुमेन है तो वुमेन, इसमें ए लग रहा है, वुमेन, एम ए एन, ए लग रहा है इसके एक वचन। आगे बात समझ में, बहुवचन के बारे में बात करेंगे तो बहुवचन में क्या है कि एक से अधिक संज्ञा, जब एक संज्ञा जो एक से अधिक के बारे में बताए, ऐसी संज्ञा जो एक किसके बारे में बताए? एक से अधिक के बारे में बताती है, एक से अधिक के बारे में बताया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन नंबर कहलाते हैं। जैसे
स्टूडेंट को अपन ने किसमें चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, और वुमेन को किसमें चेंज कर दिया वुमेन, ठीक है ये ए लगा। अब देखो नंबर क्या जो रूल्स है वो किसका है, देखो पहले रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल, नियमानुसार चेंज करेंगे अपन एक वचन को किसके अंदर बहुवचन के अंदर, किसके अंदर चेंज करेंगे एक वचन को किसमें चेंज करेंगे बहुवचन में चेंज करेंगे। याद रखना आपके क्वेश्चन केवल ये आएगा एक वचन दिए जाएगा आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा, ये आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा एक वचन दिया जाएगा क्या बनाना पड़ेगा बहुवचन बनाना पड़ेगा, यही आपके पेपर में आना है और इस तरह से आपको करना है। देखो तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल्स बाय रूल्स पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर, क्या जोड़कर एस, सामान्यतः किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर क्या बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। प्लूरल मतलब क्या होता है ना बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, मालूम है ना ये तो आपको मालूम है जानते हो ना कि सिंगुलर यानी क्या होता है एक वचन होता है और प्लूरल यानी क्या होता है बहुवचन होता है, ये याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। तो क्या है फर्स्ट रूल, नाउन यानी संज्ञा, नाउन का मतलब क्या होता है संज्ञा, संज्ञा आपको मालूम है कोई सी भी चीज हो सकती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है किसी को जिस नाम से पुकारते हो संज्ञा कहलाती है, ये याद रखो नॉर्मल परिभाषा, जिसको जिस नाम से पुकार लिया वो संज्ञा, फैन होती है ये भी संज्ञा, टेबल है तो वो संज्ञा, बुक है तो वो संज्ञा, सब चीज संज्ञा के अंदर आती है, ऐसी कोई चीज नहीं संज्ञा के अंदर नहीं आती है, याद रखो ठीक है। तो नाउन यानी संज्ञा के अंत में क्या जोड़ेगा केस जोड़कर क्या बनाएंगे बहुवचन, जैसे फैन दे दिया फैन का क्या बनेगा इसमें केवल क्या जोड़ना है एस, तो क्या बन जाएगा फैंस बन जाएगा, ये तो एस जोड़कर बहुवचन बनाना। फर्स्ट रूल क्या कह रहा, फर्स्ट रूल ये कह रहा कि किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर क्या बनाना बहुवचन बनाना, ठीक है। पेन, पेन का क्या बन जाएगा पेन्स, ये लो एस जोड़ दिया। हॉर्स, हॉर्स का क्या बन जाएगा हॉर्सेज, ये लो केवल क्या जोड़ दिया एस, एस एस लगाया सब में, सब में क्या लगाया एस एस लगाया और बहुवचन बना दिया। साइड है, साइड में एस जोड़ दो साइड हो जाएगी, ये लो। फ्रेंड है, फ्रेंड में भी क्या लगा दो एस लगा दो, ये लो ये बहुवचन हो गया। डॉग, डॉग में भी क्या लगा दो एस लगा दो, ये लो ये बहुवचन हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, केवल क्या जोड़ा अपन ने एस, एस जोड़ने से क्या बन गया ये बहुवचन बन गया। फर्स्ट रूल ये कह रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, सामान्य रूल है, जनरल रूल है, कोई इसके अंदर कठिनाई नहीं है कि आपको कोई कठिनाई लगे, सिंपल रूल है। एस जोड़कर क्या बनाना है बहुवचन बनाना है। फैन में एस जोड़ा फैंस हो गया, साइड में एस जोड़ा सर्ट्स हो गया, पेन में एस जोड़ा पेन्स हो गया, फ्रेंड में एस जोड़ा फ्रेंड्स हो गया, हॉर्स में एस जोड़ा हॉर्सेज हो गया, डॉग में एस जोड़ा डॉग्स हो गया। मैंने क्या बोला एक से अधिक संज्ञाओं, एक संज्ञा में एक से अधिक का प्रयोग होना वो क्या कहलाता प्लूरल कहलाता, प्लूरल इस तरीके से बनाया जाता है एस एस जोड़कर। ये अपना फर्स्ट रूल हो चुका है किसका, नंबर का, नंबर मतलब वचन, बार बार बोलो नंबर मतलब वचन, वचन का फर्स्ट रूल इस प्रकार है। अब नंबर का जो वचन है रूल्स से रूल्स चल रहे, रूल्स से रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स अपन ने पहला पढ़ा था इससे पहले। अब देखो दूसरा रूल्स, दूसरा रूल्स क्या कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर एक वचन होना चाहिए कॉमन नाउन होना चाहिए, सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, क्या जोड़कर प्लूरल बनाते हैं ई एस जोड़कर, जैसे बस, बस का क्या बना देंगे ई एस जोड़ दिए, इसमें क्या आ रहा है एस आ रहा, क्या आ रहा है इसमें एस, इसमें एस दे रखा है, इसमें एस दे रखा है तो एस दे रखा है तो इसमें क्या जोड़ना है ES जोड़ना, क्या जोड़ना ES, और ये क्या बन गया बहुवचन बन गया, क्या बन गया ये बहुवचन बन गया, क्या बन गया बहुवचन। मैं बार बार बोल रहा हूं ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियम हर जगह काम आता है, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है आपके लिए, ये नियम हर जगह काम आ रहा है, टेंस के अंदर भी काम आ जाता है, ये नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी काम आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी काम आ जाता है ये नियम, इसलिए इस नियम को याद रखना, ये साधारण नियम नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट नियम है, आगे तक काम आएगा। बस में अपन ने क्या देखा एस दे रखा है तो अपन ने क्या कर दिया बसेस कर दिया, क्या कर दिया बसेस कर दिया, वॉच, वॉच दे दिया, इसमें भी अपन ने क्या दे रखा सी एच, वॉच यानी घड़ी,
तो सी एच दे रखा, तो इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, ई एच जोड़ के बहुवचन बना देंगे, ये बहुवचन हो गया। क्या है इनके अंदर, कुछ नहीं है, सामान्य सा रूल है। क्या है ये, सामान्य सा जनरल रूल है, कोई ज्यादा कठिन रूल नहीं है। केवल ये शब्द देख रहे हैं आपको किसके अंत में, नाउन यानी संज्ञा के अंत में, संज्ञा के अंत में ये शब्द देख रहे हैं बस। संज्ञा के अंत में ये शब्द दिख गया, डायरेक्ट क्या जोड़ दो, ई एस जोड़ दो, क्या जोड़ दो, ई एस, और क्या बना दो इसको, बहुवचन। इसके और उदाहरण मैं आपको क्या एग्जाम्पल में दे दूंगा, जो आपको क्वेश्चन करने के लिए घर पे दिए जाएंगे उसके अंदर दे दूंगा। और एग्जाम्पल ये दो नियम से आप बदो, उदाहरण से आप समझ लो, आपका नियम आपके सामने, सब चीज आपके सामने, केवल ये शब्द जोड़ने, उनको ईएस लगाकर क्या बनाना, बहुवचन बनाना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, और जितना हो सके उसे सब्सक्राइब करें।